दिस मी रोशनी एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एक्साइटिंग वीडियो गाइस। बहुत दिनों के बाद मैंने जो हॉल था वो आपके साथ शेयर नहीं किया था। जी हाँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ पर्पल का जो जितने भी मैंने प्रोडक्ट लिया है, आप बोल सकते हो मिनी हॉल वट एवर, मैंने जितने भी मतलब प्रोडक्ट लिए हैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे शो ऑफ करने कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी तो आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा एंड मुझे बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा मिल सकता है, मतलब बहुत अच्छा सुकून मिलता है राइट। और हाँ गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो इसका मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके श्योर चेकआउट जरूर कर लेना। बहुत अच्छे सा मतलब यू नो आप समझ सकते हो, देखिए समझ सकते हो कितना अच्छा वाला लुक क्रिएट हुआ है एंड आई रियली लाइक एंड आई अप्रिशिएट माई वर्क एज यू कैन सी गाइस। एंड ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा वाला जो रिसीव हुआ था एंड ऑलरेडी मैंने इसको ओपन कर लिया है एंड मैंने कुछ चीज़ें यूज़ भी कर लिया है जस्ट बिकॉज कि आपको सब कुछ शेयर करना था। अब जैसे कि पता है आपको कि मैं जब भी मैं हॉल वीडियो शेयर करती हूँ, मिनी हॉल वीडियो जो भी बोल सकते हो आप लोग, तो मैं वहाँ पे यू नो रिव्यू प्लस हॉल भी शेयर करती हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेरा रिव्यू मतलब मैंने यूज़ करके मेरे को कैसा लगा वो भी आपको साथ शेयर करती हूँ एवरी वीडियो पे। तो मैंने ये वीडियो को मैंने ये बॉक्स को ओपन कर लिया है ऑलरेडी। तो इसको रिसीव हुए मुझे लाइक 7 डेज हो गया है एंड आई वॉज थिंकिंग कि इसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ प्रोडक्ट इस तरह से आए हुए हैं एंड यू नो बहुत सारे बबल रैप्स ताकि प्रोडक्ट का कहीं भी लीकेज ना हो, लीकेज होने से भी प्लास्टिक पे हो जाए। वैसे तो लीकेज नहीं आते हैं तो आई होप कि भगवान के आशीर्वाद से ऐसा लीकेज प्रोडक्ट भी ना आए, क्योंकि हम लोग यू नो बहुत कम प्रोडक्ट मंगवाती हूँ एंड उसमें से अगर लीकेज आएगा तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा है ना गाइस। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बबल रैप्स है मैं इसको साइड पे रख देती हूँ एंड गाइस मैंने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट लिया है, लाइक मुझे मतलब ऑफर मिल रहा था एंड यू नो मुझे एक अच्छा सा कुछ चीज़ चाहिए थी और कुछ था कुछ नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने भी ये कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा बकबक कर लिया है मैंने एंड यहाँ पे ओनली 5 प्रोडक्ट बहुत कम है पता है, पर जितने भी हैं मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए रखा है एंड आई विश कि आपको पसंद आए एंड आई होप ऑल्सो एंड चलिए। तो जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिया है एक्टिव चारकोल डीप क्लींजिंग फेस वॉश, ये है 200 ml एंड इसका प्राइस है 270 गाइस एंड दिस इज़ वंडरफुल एंड अमेजिंग मेरे लिए। तो जस्ट बिकॉज कि मैं मेकअप करती हूँ एंड मेकअप के बाद मुझे यू नो एक डीप क्लींजिंग वाला इफेक्ट चाहिए, फेस वॉश हो या जो भी मेकअप रिमूवर हो जो भी हो, तो मुझे एक्टिव चारकोल वाला डीप क्लींजिंग लगता है। मैंने इसके पहले भी यूज़ किया था चारकोल का एंड दैट वाज अमेजिंग, तो मैंने फिर से एक बोतल मंगवाया है। लाइक मैंने पास्ट ईयर्स बोल सकते हैं यूज़ करती थी ये वाला फेस वॉश, उसके बाद मैंने स्किप कर दिया एंड अगेन मैंने ये वाला ऑर्डर किया है एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। अगर आप मेकअप करते हो तो डीप क्लींजिंग के लिए ये बेस्ट रहेगा। इसको आपको यहाँ पे मिलता है नो पैराबिन नो मिनरल ऑयल, ताकि जो है बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट ले तो वहाँ पे नो मिनरल नो सल्फेट एंड नो पैराबिन होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे स्किन को हार्म मिलता है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है 200 ml, तो इसका जो सेल्फ लाइन है बहुत दूर तक चला जाएगा, तब तक तो मेरा ख़त्म ही हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने गाइस लिया है नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया है, तो सब लोग इसको यूज़ करते थे तो आई थॉट कि चलो मैं भी एक बार यूज़ करके देखूँ कि कैसा होता है ये वाला फेस वॉश। तो फेस वॉश कुछ इस टाइप का है एंड इसका भी सेम प्राइस है विच इज 270 एंड शेल्फ लाइन इज 2023, दैट इज क्वाइट इनफ फॉर मी गाइस, क्योंकि तब तक खत्म भी हो जाएगा। आई विश ऐसा यहाँ पे भी सेम लिखा है नो पैराबिन नो मिनरल। आप जब भी प्रोडक्ट खरीदेंगे गुड वाइब्स के, तो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट को आपको नो पैराबिन नो सल्फेट कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ही फ्री क्वालिटी का है प्रोडक्ट होता है
एंड गाइस इसका भी 200 ml है। जितने भी इंग्रीडियंट्स है आई थिंक मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, अगर मेंशन कर भी दूंगी तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी जो भी इंग्रीडियंट्स है इसका। तो मैंने यहाँ पे बहुत इन शॉर्ट में वीडियो दे रही हूँ, लाइक मैंने एक चारकोल वाला तो यूज़ किया है, ऐसे डीप क्लिनजिंग होता है एज श्योर, बट मैंने ये वाला यूज़ नहीं किया है तो मैं इसको यूज़ करूँगी एंड देन आपको रिप्लाई दे दूंगी गाइस। इसके बाद ये सेकेंड प्रोडक्ट था एंड थर्ड प्रोडक्ट विच आई हैव गिवन, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से चारकोल पील ऑफ मार्क्स चाहिए था, तो ये है गुड वाइब्स का चारकोल पील ऑफ मार्क्स गाइस एंड दिस इज अमेजिंग। मैंने इसको कल ही यूज़ किया था एंड रिजल्ट इज लाइक वाओ गाइस। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि जब भी आप शायद ये सबको सबकी स्किन पे ऐसे ही करता होगा, आप लोग ये मत समझिएगा कि हाँ चारकोल पील ऑफ मार्क्स मैंने ये लगाया उसके बाद मेरा स्किन बर्न करने का, थोड़ा सा बर्न करता है लाइक थोड़ा जलने का कुछ लगता है, बर्निंग हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन होता है एंड आफ्टर दैट जब मतलब वो बर्निंग नहीं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा ठंडक सा एक कूल सा मेंटो सा होता है ना वो वाला फील देता है, पर वो फर्स्ट टाइम लगाने से बर्न भी थोड़ा ऐसा फील मुझे ऐसा लगा गाइस। तो इसका प्राइस आपको पड़ता है 260, तो 260 में आपको प्रोडक्ट मिलता है 100 ग्राम विच इज सेम एज आई रिपीट अगेन, नो पैराबिन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री एंड नो मिनरल ऑयल। आपको ये गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पे जरूर मिलेगा, दूसरे प्रोडक्ट मिले या नहीं मिले बट गुड वाइब्स में हमेशा ही नो क्रुएल्टी, नो सल्फेट एंड नो मिनरल ऑयल मिलता है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिव चारकोल पील ऑफ मार्क्स लिया था एंड कल ही मैंने यूज़ किया है एंड द स्किन इज लाइक वाओ, आई कैन फील दैट। सो इसका भी शेल्फ लाइन है 2023 एंड दैट इज क्वाइट इनफ फॉर मी अगेन। एंड यहाँ पर जितने भी मेंशन किया गया है शायद मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँ एंड बस इतना ही बोलना था। मैंने इसको पहले यूज़ नहीं किया था, अब मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं एक अमेजोन और फ्लिपकार्ट का चाइनीज सेट का जो एक चारकोल पील ऑफ मार्क्स होता था वही यूज़ कर दी थी एंड देन आई थॉट कि चलो एक बार यूज़ किया जाए कैसा होता है। एंड पूजा भी आ रहा था तो मेरे फेस को थोड़ा क्लीन रखने के लिए पील ऑफ मार्क्स चाहिए था, तो मैंने मतलब परचेस कर लिया। एंड द थर्ड विच आई हैड दैट इज माई फेवरेट मतलब एवर, मतलब देख सकते हो समझ में नहीं आया होगा मैं बोल देती हूँ, ये है गुड वाइब्स का लिकोराइस, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, लिकोराइस ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। यहाँ पे भी नो पैराबिन है जो कि हमारे स्किन के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है गाइस। एंड इसका ml है 200 ml एंड इसका प्राइस आपको मिलेगा 200 गाइस एंड दिस इज क्वाइट गुड। अगर आप बॉडी लोशन लेते हैं तो आपको 200 ml में 200 प्राइस में कभी भी नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पे मिल रहा है एंड आई फील वेरी ग्रेट। इसका भी 200 ml है एंड प्राइस भी 200 है, दैट इज गुड, मतलब बहुत अमेजिंग है, तो मुझे बहुत पसंद आता है इसको। मैं लाइक इसका बोतल मैंने 6 बोतल मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट ये विंटर में थोड़ा सा ड्राई करता है, अदरवाइज समर में आपको मैट प्रोवाइड करता है, बट मैं विंटर में भी यही यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ एंड मेरा अच्छा हो जाता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप समझ सकते हो गाइस। एंड लास्ट विच जो है मुझे आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं बता दूंगी, ये है गुड वाइब्स का नरिशिंग फेस जेल है गाइस, दिस नॉट अ क्रीम दिस इज जेल। एंड आपको ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये टी ट्री का है। सो गाइस लेट यू नो कि ये क्या काम करता है। टी ट्री जो है होता है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एक्नी प्रोन स्किन के लिए, अगर आपके पास बहुत सारे पिगमेंटेशन एक्नी हो चुके हैं, बम्स और छोटे बम्स हो चुके हैं एंड बहुत सारे पिंपल्स आपके फेस पे हो जाता है, अगर आप ये यूज़ करेंगे ना गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस ये बहुत ज़्यादा सही प्रोडक्ट है, क्योंकि ये टी ट्री का है, फेस जेल है गाइस। ये थोड़ा सा मैटिफाइंग लुक देता है जस्ट बिकॉज कि ये जेल फॉर्म में होता है, तो आप जब भी स्किन पे लगाओगे तो स्किन अपने आप अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन ड्राई लगने लगता है। इसके पीछे आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगी ये बोथ मेल एंड फीमेल एंड बोथ ऑयली एंड नॉर्मल कॉम्बिनेशन, जितने भी सेंसिटिव स्किन है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फ्रेग्रेंस ना गाइस, आई कैन टेल यू गाइस दिस फ्रेग्रेंस ऑसम है, ऑसम, मतलब आपके पास ऐसा वाला कुछ लीड दिया जाएगा तो लीड से लीकेज ना हो बोल के ऐसा वाला लीड देता है एंड इसका जो प्रोडक्ट है इतना होता है एंड द कंसिस्टेंसी गाइस इसे देख सकते हो, बहुत ही क्रीमी नहीं है, बहुत ही वाटरी है एंड क्विकली एब्जॉर्व हो जाता है एज यू कैन सी गाइस।
आई एम इन लव विद दिस इज अमेजिंग गाइस. तो गाइस मेरा इतना ही था आज का रिव्यू, बोल सकते हो आप हॉल्स बोल सकते हो, वट एवर यू कैन से, इतना ही था मेरा आज का हॉल. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख सकोगे. एंड गाइस फॉलो कर लेना मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी. एंड तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.